भर में कोरोना वायरस का आतंक फैल चुका है। दक्षिण एशिया में भी इसका खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में पीएम मोदी के सार्क देशों के साथ मिलकर इस महामारी से निपटने के आह्वान पर पाकिस्तान ने सकारात्मक जवाब दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस अभी तक 100 से अधिक देशों में फैल चुका है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे एक महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस से अभी तक दुनिया भर में 5000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। भारत में कोरोना वायरस से पहली मौत हो चुकी है। पूरे विश्व में तेजी से फैलता वायरस देख पाकिस्तान भी अब घबरा गया है। भारत में जहां अभी तक कोरोना के 73 मामले सामने आ चुके हैं, वहीं पाकिस्तान में अभी तक 20 मामले सामने आए हैं। अब ऐसे में डरे इमरान खान पीएम मोदी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और पाकिस्तान ने पीएम मोदी के प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के कहर को देखते हुए एक नई पहल शुरू की है, जिसमें पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा है कि सार्क देशों के नेता आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना को लेकर बात कर सकते हैं, जिससे सार्क देश आपस में मिलकर दुनिया के सामने मिसाल पेश कर सकते हैं और विश्व को सेहतमंद बनाने में अपनी भूमिका अदा करें, जिससे विश्व में फैले इस महामारी को रोका जा सके। उनकी इस पहल से दक्षिण एशियाई देशों के नेता मुरीद होकर न केवल सहमति देने लगे बल्कि पीएम मोदी की तारीफ भी करने लगे। और इसी बीच कोरोना के प्रकोप से घबराए पाकिस्तान की ओर से सकारात्मक रुख सामने आया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आयशा फारूकी ने ट्वीट कर कहा कि हमने पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री को सार्क देशों के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करने को लेकर कहा है। इस पर वैश्विक और क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर सार्क देशों के नेताओं को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक साथ आने की अपील कर कहा कि हमारी धरती कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। विभिन्न स्तरों पर सरकारें और लोग इससे निपटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण एशिया, जहां विश्व की बड़ी आबादी है, अपने लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। एक तरफ जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया भर से भारत की आलोचना करते घूमते हैं और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, वहीं इमरान खान भारत के साथ मिलकर इस महामारी से लड़ना चाहते हैं। कहते हैं आप अपना दुश्मन चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। पाकिस्तान भारत का एक ऐसा ही पड़ोसी है। आतंकवाद पाकिस्तान की विदेश नीति का हिस्सा है, भारत भी उसके आतंक का शिकार है और इसी वजह से दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। लेकिन कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसमें पाकिस्तान का साथ जरूरी है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।